दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। धरती माँ जय गो माता, गूंज रहा है मंत्र महान। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वानंद गो विज्ञान पर। दोस्तों, आज के जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, इसमें मैं आज आपको गोबर से बनने वाली धूपबत्ती के भविष्य के बारे में बताने वाला हूं। हाँ दोस्तों, इस क्षेत्र में इस समय बहुत ही अच्छा भविष्य है आपके लिए, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस क्षेत्र में इस समय है। क्यों, वो मैं आपको आगे बताता हूं। बात आज से 8 साल पहले की है, जब मैंने किसी शास्त्र में पढ़ा था और मेरी एक संत से भी मुलाकात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि अगरबत्ती जलाना हमारे शास्त्रों में निषेध है, अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है, इवन हमारे यहां जो अंतिम संस्कार के समय में भी बांस का उपयोग नहीं किया जाता है और अगरबत्ती में बांस की लकड़ी का उपयोग होता है। तो उस दिन से मैंने अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया था और मैं इसके तलाश में था कि इसका ऑप्शन क्या, अगर अगरबत्ती नहीं है तो उसकी जगह क्या। तो फिर मैंने एक समय, हम लोग कर्मकांड कराते, उस समय मैंने एक कर्मकांड में पढ़ा कि गंधाक्षत पुष्पानी धूपम दीपम नैवेद्यम समर्पयामि ततो नमस्कारम करोमि। किसी भी देवी देवता का आह्वान करने के बाद में गंधाक्षत पुष्प और धूप और दीप से उनको हम लोग आह्वान करते। तो धूप का जो प्रचलन है वो कई सालों से हमारे यहां, कई सदियों से हमारे यहां धूप का प्रचलन था। और उस धूप में क्या होता था, प्राकृतिक सुगंधित जो वनस्पति है उसको जलाया जाता था और उसका प्रभाव, जब हम लोग किसी देवी देवता का आह्वान करते तो घर में कैसे प्रफुल्लित वातावरण होता है कि हाँ हमारे घर में कोई आने वाले हैं, कोई देवी देवता का हम लोग आह्वान करते हैं घर में, तो वो धूप जलाने से वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है, प्रसन्न वातावरण हो जाता है, एकदम सुगंधित वातावरण हो जाता है। तो ये धूप जलाने के पीछे का उद्देश्य था कि घर के अंदर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाए। मगर आज के समय में धूपबत्ती और अगरबत्ती जलाने के पीछे का सिर्फ एक ही उद्देश्य रह गया है, वो सुगंध और धुआं, बस इसी के लिए हम लोग अगरबत्ती या धूपबत्ती जलाते हैं। मगर शास्त्रों में धूप जलाने के पीछे का कुछ और ही उद्देश्य था। तो दोस्तों, जो 8 साल पहले मेरे दिमाग में आया था कि हम लोगों को धूपबत्ती इस तरीके से हम लोग बनाकर हम लोगों को करना चाहिए, तो जो बात मुझे उस समय वो जो हमारे महात्मा देव संत थे उन्होंने बताया, वो कुछ कम ही लोगों को पता थी। बहुत कम लोग जानते थे कि हाँ हमारे शास्त्रों में अगरबत्ती जलाना निषेध है, नहीं जलाना चाहिए, इससे दोष लगता है। मगर जब कुछ दिनों पहले जी न्यूज ने DNA में एक एपिसोड में यह बताया कि किस तरीके से घर में जलने वाली अगरबत्ती और धूपबत्ती सेहत के लिए कितनी खतरनाक है, सिगरेट के धुएं से भी ज्यादा खतरनाक अगरबत्ती और धूपबत्ती का धुआं है। उन्होंने यह भी बताया कि बांस जलाने से पितृदोष लगता है, उसमें से बहुत खतरनाक गैसेस निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसीलिए हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार के समय भी बांस नहीं जलाया जाता है। तो दोस्तों, इससे क्या हुआ, जो हम जैसे लोग थे उन्होंने तो काफी पहले से ही अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया था, मगर जब से यह वीडियो लोगों ने देखा तो बहुत से लोगों ने अगरबत्ती और मार्केट में मिलने वाली धूपबत्ती जलाना बंद कर दिया। तो यहां पर क्या हो गया दोस्तों, एक बहुत बड़ा एक मार्केट तैयार हो गया, एक बहुत बड़ा स्कोप तैयार हो गया, किसके लिए, प्राकृतिक गोबर से बनने वाली आयुर्वेदिक धूपबत्ती के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो गया। एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, अगर आप गाय के गोबर से धूपबत्ती बनाते हैं सुगंधित और प्राकृतिक वनस्पतियों का घी कपूर का उपयोग करके, तो लोग लेने के लिए तैयार है। पिछले दिनों मैं बहुत से लोगों से मिला और जब बातों में मैंने उन्हें बताया कि हम लोगों ने अगरबत्ती धूपबत्ती बनाने का काम शुरू किया और हम लोग इस तरीके से धूपबत्ती बनाते हैं, तो उन लोगों के जो रिस्पांस और रिएक्शन था वो इतना अच्छा था, वो बोले कि भैया हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि कोई हमें ऐसा ऑप्शन दे, वो तैयार ही बैठे थे खरीदने के लिए और उनने हमसे धूपबत्ती खरीदी और उनको इतनी पसंद आई कि वो हमारे परमानेंट कस्टमर बन गए। तो दोस्तों, आपको लोगों तक पहुंचना पड़ेगा,
लोग बैठे हुए तैयार लेने के लिए वो ऑप्शन की तलाश में है। बहुत से लोगों ने अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया, मगर ऑप्शन क्या क्या जलाए? अगर अगरबत्ती जलाना बंद कर दिया तो उसकी जगह क्या जलाए? तो ये ऑप्शन है गाय के गोबर से बनने वाली प्राकृतिक सुगंधित धूपबत्ती। इसमें बहुत उज्जवल भविष्य है और आगे आने वाले दिनों में इसकी डिमांड और आगे बढ़ने ही वाली है। और दोस्तों, मार्केट में इस समय अगरबत्ती मार्केट में बहुत बड़ा कब्जा इस समय चाइना का है, और हम लोग स्वावलंबन के अंतर्गत जीरो टेक्नोलॉजी का यूज करके कम से कम संसाधनों में जो धूपबत्ती बना रहे, इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा, देश का पैसा देश में रहेगा, हमारे देश का विकास होगा और हम लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इस धूपबत्ती का प्रचार प्रसार करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इस जो बेरोजगार लोगों को इस क्षेत्र में आप लेके जाइए, इसमें बहुत अच्छा एक सुनहरा अवसर है। दोस्तों, पैसा तो हर कोई कमा लेता है, किसी न किसी रास्ते से, किसी न किसी तरीके से हर व्यक्ति पैसा कमा लेता है, मगर इस व्यवसाय में पैसे के साथ में समाधान भी है, सेटिस्फैक्शन भी है आपको कि आपकी जलाई हुई धूपबत्ती से जो पर्यावरण का अच्छा होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, उससे निकलने वाली जो अच्छी गैसेस है ऑक्सीजन के साथ में, और भी ऐसे कई अनमोल गैसेस निकलती है जो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छी है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी है, घर की नकारात्मक ऊर्जा निकालती है, तो इससे आपका भी भला होगा, प्रकृति का भी भला होगा और देश का तो भला होगा ही सकते हैं। 3 महीने पहले मैंने जो वीडियो डाला था धूपबत्ती बनाने का जो देसी तरीके से, उसको देखकर कई लोगों ने धूपबत्ती बनाना शुरू किया और उन लोगों के मुझे फोन आते और वो काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं और उनको समाधान भी है कि हाँ, हम लोग कमाई तो कर रहे हैं मगर हम लोग समाज का और देश का, प्रकृति के लिए भी कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप भी इस व्यवसाय को शुरू करिए और अगर आपको किसी भी मार्गदर्शन की जरूरत है तो आप मुझसे मार्गदर्शन ले सकते हैं, किसी भी तरीके से आप कभी भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर भी मैं यहाँ पर आपको दे दिया है मैंने आपको, आप कभी भी मुझसे मार्गदर्शन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। कई लोगों ने मुझसे मार्गदर्शन लेकर अभी तक यह धूपबत्ती का व्यवसाय शुरू कर दिया है और काफी अच्छा उन लोगों का चल रहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करिए, और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल यूट्यूब चैनल स्वानंद गो विज्ञान जो है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब करने के बाद में जो बेल आइकॉन दिखेगी उसे भी प्रेस करना ना भूले, ताकि हमारे चैनल से जुड़े हुए जो अपडेट्स है, अलर्ट्स है, वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो के साथ में बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार, जय गो माता, जय गोपाल, जय गुरुदेव।